व्यूअर्स, इंतज़ार की घड़ियां 10 सितंबर को 10 बजे ख़त्म हो गईं, जिसका शिद्दत से पूरी दुनिया को इंतज़ार था। जज, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर सब ने मिलकर शब्बीर की कब्र कुशाई अपनी आंखों के सामने करवा दी। मगर इतने अरसे के बाद क्या कोई इंसान मनो मट्टी के नीचे ऑक्सीजन और खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। सब ने इस मौजू पर बहुत वीडियोस अपलोड कर दी कि शब्बीर की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। जी साहब, दुनिया दूर दूर से आने लगी और जमा होने लगी। हर कोई यही बात कहने लगा कि शब्बीर की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। जब शब्बीर की कब्र को खटखटाया जाता है तो अंदर से बकायदा उसका आंसर मिलता है। घर वाले और ख़ुसूसन शब्बीर का भाई गूंगा, जिसने इस बात की तस्दीक की थी कि जब मैं अगले दिन भाई की कब्र पर फातिहा के लिए गया था तो मुझे कुछ आवाज़ें अंदर से आती हुई सुनाई दी थी। उसका ये भी कहना था कि कब्र के अंदर से खटखटाने की आवाज़ भी आती थी और जब आप खटखटाओ तो भी रिप्लाई मिलता था। ठीक है, अगर मैयत को दफनाने के कुछ देर बाद ऐसा कुछ शुबा हो जी व्यूअर्स, तो फौरन गोरकुन को ये इजाज़त होना चाहिए कि वो जान को बचाने की गर्ज़ से कब्र को खोद कर घर वालों की तसल्ली करवा दे कि आया मुर्दा ज़िंदा है या ये वहम था। इतने अरसे के बाद कब्र कुशाई करने पर क्या मुर्दा जो पहले ही वफात पा चुका था कैसे जिंदा रह सकता है? मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि गोरकुन को ये हक दिया जाए कि वो घर वालों और अहले इलाका के शक पर वहाँ की मस्जिद के इमाम और चंद मोतबर लोगों की मौजूदगी में टाइम को ज़ाया किए बगैर ही कब्र कुशाई कर दे, ताकि व्यूअर्स इतने दिनों की अजियत और तकलीफ से मैयत के घर वालों को बचाया जा सके। अगर तो वो ज़िंदा है तो उसे तबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए और अगर मुर्दा एज इट इज़ पड़ा है तो उसे वापस दफन कर दिया जाए। व्यूअर्स, बास केसेस में कुछ भी हो सकता है। सांस अल्लाह ताला के हुक्म से वापस भी आ सकता है और ज़िंदगी की मोहलत दोबारा भी मिल सकती है। वो कादरे मुतलिक सब कुछ कर सकता है। जो जान दे सकता है वो जान लौटा भी सकता है, मगर ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। जी जनाब, शब्बीर की कब्र कुशाई तो कर दी गई, अब अगला मरहला टॉप्सी का है। पहला शक तो गलत साबित हुआ कि शब्बीर ज़िंदा है। व्यूअर्स, अगर बवक कार्रवाई की जाती तो शायद शब्बीर ज़िंदा मिलता। अब देखते हैं कि दूसरा शक के उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर मारा गया है किस हद तक दुरुस्त है। अगर वाकई शब्बीर को कत्ल किया गया है चंद लाख के लिए, उसकी करोड़ों की ज़िंदगी ले ली गई, तो ये कब्र कुशाई मजलूम के हक़ में बेहतर साबित हो सकती है। जालिम को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए कि जिसने एक गरीब इंसान को उसी का हक ना अदा करने पर कत्ल कर दिया। लवली व्यूअर्स, अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कि गोरकुन को कब्र कुशाई का हक ऐसी सूरत में हासिल होना चाहिए जब कब्र से किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ सुनाई देती हो, ताकि अगर मुर्दा ज़िंदा है तो उसे ज़िंदा दरगोर होने से बचाया जा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हुकाम बाला तक ये बात, ये मैसेज जा सके और आइंदा के लिए बवक कार्रवाई की जा सके और किसी भी इंसान को अगर वो कोमा की हालत में दफन कर दिया गया है तो बचाया जा सके। एक इंसान को ज़िंदगी देना ही इंसानियत है। इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये मैसेज जा सके। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, तो बस यही है मकाम आखरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, तो हश्र में I should